मलकतूर राजीव का प्रणाम स्वीकार करें। ट्रुथ ऑफ मैजिक चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमेशा की तरह आज भी मैं एक नया जादू लेकर के आया हूं। सबसे पहले मैं वो जादू आपको दिखाऊंगा, उसके बाद उसका रहस्य आपको बताऊंगा। चलिए दोस्तों, जादू की तरफ चलते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और पास में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तीन ऑप्शंस आएंगे जिसमें ऑल को सेलेक्ट कर दीजिएगा ताकि आगे मैं अपलोड करने वाला तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस समय समय पर और सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो जादू की रहस्य की ओर चलते हैं दोस्तों। अब इसको बनाने का तरीका देख लेते हैं दोस्तों। यदि आप इसी साइज का बनाना चाहते हैं तो उसका जो मेजरमेंट है वो मैं दे रहा हूँ। यदि आप साइज छोटा या बड़ा करना चाहता है तब भी आप कर सकते हो, लेकिन उस टाइम पर आपको ध्यान रखना है ये जो ट्रायंगल बनाएगा हम इसमें बनाकर दिखाएंगे आपको, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होना चाहिए, यानी इसका तीनों साइड का जो लेंथ है वो बराबर होना चाहिए। वैसा आप कोई भी साइज का बना सकते हो। जैसे इसका नाप में बदली होगा, ये जो रेशियो है लेंथ और चौड़ाई का वो बदलता जाएगा। तो ये साइज का जो बनाना है वो मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए आपको चाहिए ऐसा एक ड्राइंग शीट, थोड़ा मोटा ले लेना, और इसका जो लंबाई है वो होना चाहिए 19.25 इंच, 19.25 इंच, और ये जो चौड़ाई है ये होना चाहिए 3 इंच। यदि हम इसका चौड़ाई 3 इंच और लंबाई 19.25 इंच रखेंगे तो हमें इसके अंदर ये ट्रायंगल जो बनेगा उसका जो साइड है वो 3.5 इंच का होगा। तो पहले आप इस तरह से कागज़ ले लीजिए, 19.25 इंच लेंथ और 3 इंच चौड़ा। अब इसको क्या करना है, आपने यहाँ से नाप लेना है। ये समय का बचत करने के लिए मैं इसके ऊपर सारे मार्किंग करके लाया हूँ। तो इस जगह से इसका इस कोने से यहाँ पर 3.5 इंच नापना है और यहाँ वहाँ पर एक निशाना लगा देना है, और यहाँ से फिर 3.5 इंच वहाँ पर एक निशाना लगा देना है, और यहाँ से 3.5 इंच निशान लगाते जाना है इसे। और जो यहाँ बचेगा उसको छोड़ देना। उसी तरह से अब हम इस तरफ से यहाँ से शुरू किया, अभी उस तरफ से हम क्या करना है, इस कोने से शुरू करना है। तो यहाँ से 3.5 इंच मार्क कर दिया, उसमें से लेकर के 3.5 इंच मार्क कर दिया, यहाँ से 3.5 इंच मार्क कर दिया, इस तरह से मार्क करते जाना है। यहाँ पर भी मार्क कर दिया। अब यहाँ कुछ बच गया उसको छोड़ देना है। अब आपको क्या करना है, अब दोनों साइड में थोड़ा थोड़ा बचा हुआ है, एक हम वहाँ से इस तरफ से नाप के आया, यहाँ पर थोड़ा बचा, यहाँ से नाप के आया दूसरा साइड में तो यहाँ बचा। तो इसको क्या करना है, ये कोने से ये जो मार्किंग किया हुआ जगह है यहाँ से ये कोने को लेकर के मार्किंग कर देना है, और उसी जगह से आपको इसको काट देना है, काट करके अलग कर देना है। ये अलग कर दिया। उसी तरह से दूसरे साइड में यहाँ पर भी है थोड़ा सा बचा हुआ, उसको भी क्या करो, इस निशाना जहाँ पर है वहाँ से ये कोने तक ले करके काट करके अलग कर दो। अब आपको इस तरह का एक पेपर मिल जाएगा। अभी आपको क्या करना है,
स्क्वेयर को लेकर के इस कोने से ये जो निशाना लगाया हुआ है वहाँ पर मार्किंग कर देना है। यहाँ से ये जो मार्किंग है उसके ऊपर लाइन लगा देना है। इसी तरह से आपको लाइनिंग लगाते जाना है, क्योंकि दोनों साइड में हमने मार्किंग किया हुआ है। अब ये मार्किंग करने के बाद जहाँ जहाँ हमने मार्किंग किया है उस जगह पर एक कटर से थोड़ा सा हल्का सा एक लाइन मार देना है, काटना नहीं है इसको, हल्का सा लाइन मार देना है ताकि हमें फोल्ड करने में आसान हो, क्योंकि ये दोनों साइड में आराम से फ्रीली फोल्ड होना चाहिए। इस तरह करने के बाद इसको क्या करो, ये मार्किंग किया हुआ है, ये एक ट्रायंगल बन जाएगा जिसके तीनों साइड बराबर है, ये भी साइड बराबर है, इसका लेंथ बराबर, इसका लेंथ बराबर। तो इसको इस तरह से फोल्ड करो, इसको यहाँ पर फोल्ड करो, इस तरह से इसको फोल्ड करते जाओ। ऐसा फोल्ड करने के बाद इसको ओपन कर दो, इसको खोल दिया भी। अब इसके अंदर तीन ट्रायंगल लेना है, एक दो तीन, तीसरा ट्रायंगल से इसको ऐसा फोल्ड कर दो। अब एक दो तीन, ये तीसरा है, ये तीसरे को फोल्ड कर दो ऐसे। अब इसको लेकर के इसके नीचे से ऐसा रख दो, ये एक ट्रायंगल बाहर हो जाएगा। अब इसको इसके ऊपर गोंद लगा करके यहाँ पर चिपका देना है। याद करना, इसके ऊपर गोंद लगाकर यहाँ पर मत चिपका देना, इसके ऊपर गोंद लगाकर यहाँ पर चिपकाना है, क्योंकि ये बिल्कुल इस तरह से खुला होना चाहिए। ये इस तरह से खुला होना चाहिए। तो एक दो तीन, तीन ट्रायंगल लेना है, फोल्ड करना है। अब एक दो तीन, ये तीन को लेना है, फोल्ड करना है, और इसको लेकर के ऐसा लगा देना है भी, इसके ऊपर गूंद लगा करके इसको चिपका देना है। अब ये बन चुका है, अभी क्या करना है, इसके ऊपर कलर पेपर को चिपकाना है। छह ट्रायंगल जो इस ट्रायंगल से थोड़ा सा छोटा है इसको लेकर के इसके ऊपर ऐसे चिपकाना है। अब एक साइड में हमने एक कलर का कागज चिपकाया है, अब दूसरी तरफ दूसरे कलर का कागज चिपकाएंगे। अब दो साइड में दो कलर लगा चुका है, अब तीसरा साइड निकाल दीजिए इसका। अब उसमें भी एक अलग कलर चिपका दीजिए। अब इसका तीनों साइड दोस्तों कड़ा लग चुका है, अभी हम एक बार करके देख लेते हैं। इसको खोलने का तरीका जो है, इसके तीन जगह पर इस तरह का फोल्डिंग मिलेंगे आपको, एक यहाँ पर मिलेगा, अगले में नहीं होगा, इसके अगले में होगा, इसमें नहीं मिलेगा, इसमें होगा। उसी तरह से इसका उल्टा साइड में, इसका सीधा ऑपोजिट में फोल्डिंग नहीं होगा, इसमें फोल्डिंग होगा, इसमें और इसमें। हमेशा ध्यान रखना, इसको जब ऑपरेट करते हो तो ये जो फोल्डिंग है उसको पकड़ना है,
दाहिने हाथ से इसको इस तरह से फोल्ड कर दीजिए और ये खुलाएगा ऐसे, और इसको खोल दीजिए इसे। इसको खोलते ही क्या करो इसको थोड़ा सा घुमाओ, क्योंकि ये खुल करके जब आएगा तो इस टाइप पर इस जगह पर वो फोल्डिंग नहीं होगा, तो थोड़ा सा ऐसा घुमा दीजिए, ये फोल्डिंग वाला जगह है। इसको पकड़ कर फिर ऐसा कीजिए, यहाँ पर पकड़ कर के ऐसा खोल दीजिए और उसी के साथ इसको घुमा दीजिए थोड़ा ये फोल्डिंग वाला जगह पर, फिर इसको कर दीजिए, ये खुलाएगा और खोलते समय थोड़ा सा घुमा दीजिए, फिर इसको कीजिए, इसको खोल दीजिए, खोलते समय थोड़ा सा घुमा दीजिए, ये जो पकड़ है यहाँ से ये पकड़ यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ से फिर फोल्डिंग खोल दिया यहाँ पर, फिर फोल्डिंग खोल दिया यहाँ पर, इस तरह से एक एक ट्रायंगल को स्किप करते जाना है।